हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आप आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीलॉग में, जिसमें हम कलकत्ता के अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, या इसको जू भी बोल सकते हैं, उसमें गए हम। तो हम अब सुबह निकले थे लगभग 8-9 बजे करीब, ये सुबह अभी 10 बजे खुलेगा। तो हमारा पिछला वीलॉग आपने आशा करते हैं आपने देखा होगा, आपको सबको पसंद आया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा हमारा पिछला वीलॉग, जिसमें हमने विक्टोरिया मेमोरियल और धर्मतला मार्केट में घूमे थे, तो जाके देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और अब हम पहुंचने वाले हैं अलीपुर जू में, जिसमें से हमें टिकट्स और ये सब वहाँ जाके देखते हैं कितना रुपया रेट है क्या है। तो अभी हम यहाँ भी बहुत अच्छा बताया जा रहा है, तो देखो कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। तो अभी तो हमने भी जू जैसे दिल्ली में देखा, लेकिन कलकत्ता में या फिर इस टाइप का आए तो यहाँ पे नहीं देखा। तो कलकत्ता काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए अलीपुर प्राणी उद्यान मुख्य गेट है, ये यहाँ से हम टिकट ले लेंगे। अभी टिकट ले उस साइड से नहीं, उस साइड से हम टिकट लेने के लिए अभी जा रहे हैं। उन्होंने अपना खाने पीने का सामान ले लिया, विराट ने भी, विराट ने दो बिस्किट लिए, दिखाओ विराट बिस्किट दिखाओ, दो इधर टिकट लिए है। आस पास बहुत दूर है, हमने ले लिया, अभी टिकट ले लेते हैं। अभी यहाँ पे खाइए, देख लिया हमने, ये टिकट ले ली है 60 रुपये की, दो आदमी की 60 रुपये की टिकट है। अब यहाँ से एंट्री है, तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम अभी अंदर आ चुके हैं जू के। ये एंट्री गेट था, उन्हें विराट ने और उसने ले लिया है। बैठ खाओगी पहले? चलो आज अंदर चलाएंगे। तो ये देखिए अंदर काफी अच्छा नजारा है, ये घास के उन्होंने बनाए हुए हैं। क्या लेगा विराट, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखिए जिराफ है, हाथी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आजा अंदर चलेंगे, आजा इस साइड से चलेंगे। चलो यहाँ से हम एंट्री कर ली हमने, अंदर का रास्ता भी काफी अच्छा है, वहां का टॉयलेट भी इधर ही है, बीच बीच में खाने पीने का बना रखा है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपको दिखाते हैं। हाँ ठीक है, इधर चलते हैं, उठाओ अपना बिस्किट। देखिए हमने एंट्री कर ली, अभी हम सो स्टार्टिंग होते हैं, कुछ पहले कुछ खा पी ले, उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये कुछ खा पी लेते पहले, तो बने रहिए हमारे साथ, तो पूरी जर्नी आपको दिखाते हैं। अभी छाव में बैठे हैं, छाव में छाव में छाव में ये देखिए दोस्तों, जू के अंदर घुसते ही टाइगर यहाँ पे है। अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह का है कि नहीं है, टाइगर है या नहीं है, दो है तीन है, सुनने में तो यहाँ पे दो का आया है। तो देखते आइए, ये देखिए, देखो इसके बारे में आप, रेल बंगाल टाइगर। ये देखिए शायद आपको दिखाई दे रहा हो कि नहीं, आगे है अभी बैठा हुआ, इसमें एक ही अभी हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें एक ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये अगर आपको हम दिखा पा रहे हैं, तो घूम रहे रॉयल बंगाल टाइगर। विराट इसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, देखो देखो बंगाल टाइगर है, इसमें एक ही है अभी, तो एक शायद गुफा के अंदर है। करो हेलो कर दो, रॉयल टाइगर काफी कमजोर हो चुका है, देखिए लग रहा है मेरे को। हमने तो पहली बार देखा है, यहाँ भी दिल्ली जू में भी देखा था, उसके बाद तो
तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए जिराफ। तो पहले जब हम दिल्ली जू में गए तो उस टाइम पे जिराफ नहीं था। ये देखिए बिल्कुल हमारे पास में बैठा है अभी तो, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ से हमें दो दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे एक आगे। और जहाँ ये टाइगर जिराफ के बारे में कुछ बताया गया है तो ये पूरा हेलो विराट। तो ये देखिए दूसरा इस साइड है, शायद उस साइड भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं, उस साइड भी जा रहे हैं अभी। तो ये देखिए हाँ उस साइड भी हैं राखी। देखो विराट, देखो जिरा। ये देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो एक दो तीन चार, आप देख पा रहे हैं तो छह जिराफ यहाँ पे है। ये देखिए दोस्तों, आप अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए इसमें छह जिराफ टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं, और दो उस साइड भी हैं, आठ और दो उस साइड दस थे। तो काफी अच्छा है ये, तो बहुत बड़ा है, पहली बार हमने देखा है। विराट इसको देखते हुए एंजॉय करते हुए देखिए, फोटो क्लिक कराते हुए। ये देखो हमारे साइड आते हुए कि कुछ लेंगे। हेलो हेलो, पढ़िए मेरे फोटो क्लिक, फोटो क्लिक नहीं चल रही, वीडियो चल रही है। हेलो फोटो क्लिक कर ले। हेलो ये देखिए गाड़ी, देखिए हरी देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेट्स फ्लावर्स एंड ट्री ऑफ इंडिया का डिटेल्स के बारे में दिया गया है। असम, कर्नाटक, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, पुडुचेरी। अंदर से काफी अच्छा व्यू है, ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है यहाँ पे। कुछ आपको जानना है या फिर यहाँ पे भी आप ले सकते तस्वीर। तो हाल ही में इलेक्शन हुए थे, तो ये देखिए दोस्तों अभी ये पूरा जू का व्यू, इसमें मैप दिया गया क्या कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कहाँ पे हो अभी हो आप, और अब कहाँ कहाँ घूमना आपका बाकी है। तो मैप एक अच्छी वो होता है दोस्तों, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है क्या क्या कहाँ कहाँ है। और यहाँ पे जो पीछ पीछ है आप झंडे देख रहे हैं टीएमसी के थे वो। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो उसके बाद वाइट टाइगर्स दिखाई तो नहीं दे रहा हमें, लेकिन शायद है पीछे ही साइड में। और दोस्तों ये देखिए बंगाल टाइगर्स, ये तो बिल्कुल पास हमारे घूम ऐसे लग रहा है, बिल्कुल पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, बस जालियों का डिफरेंस है। देख पा रहे हैं तो एक साइड में है और एक यहाँ पे है। देखो दोस्त सभी कैसे बोलना है इसको, विराट विराट ने पहली बार देखा है इतना पास से, तो हमने भी पहली बार ही देखा है। एक ही देखिए, एक इस साइड है, एक दूसरी साइड है, आप उस साइड दिखा के जाते दिखाते हैं आपको। डबल लेयर सिक्योरिटी है दोस्तों यहाँ पे, एक जाली अंदर है एक जाली बाहर है, कि कोई किसी को नुकसान ना आना, तो टाइगर को कोई नुकसान टूरिस्ट पहुँचा सके और टाइगर भी किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। तो ये देखिए दोस्तों वो मस्ती के उसमें है, आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल लेटा हुआ है, पता नहीं सो रहा है क्या कर रहा है, आई थिंक सो ही रहा होगा। तो हम आगे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो और भी एक्साइटेड हो रहे हैं कि अंदर क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों इसमें तो यहाँ पे शीशा, ये सब ट्रांसपेरेंट शीशा लगा रखा है, दिखाई तो हमें भी नहीं दिया अभी, शायद पीछे की साइड में है जो ये गुफा टाइप की बना रखी है। सो रहा है आपको दिखाई दे रहा है तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी दिखाया गया है हाइना,
जो कि सेंट्रल एशिया, बांग्लादेश, अफ्रीका में पाया जाता है। और ये शायद अंदर भी घूम रहा, आपको दिखाई देगा अभी। अंदर वो घूम रहा है दूसरी जगह पे, ठीक है। शायद आपको दिखाई दे रहा हो तो अंदर है बिल्कुल। देखिए विराट भी यहाँ पे थक चुका है और बीच बीच में ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं खाने पीने के लिए। बीच में विजिटर आपका थक जाता है तो उसके बाद वो बीच में टी स्टॉल है, इसमें आपको नेटफ्लिक्स भी रहता है। यहाँ पे अभी खाने वाले हैं कुछ, अभी पैटीज खाने का मन कर रहा है हमारा अभी। देखिए दोस्तों, हमने कॉफी पैटीज ले लिया, हमने वेज पैटीज। यहाँ पानी पी रहा है, हमें थोड़ा नाश्ता स्नैक्स एंजॉय करते हैं। ओके, बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं आगे इप्पो। तो चलते चलते काफ़ी थक जाते हैं, तो बीच में जाए नाश्ता हो जाता है, तो अच्छा भी है वो, जिससे एनर्जी बनी रहती है। तो ये देखिए दोस्तों, हम आगे अभी, अगर आपको इप्पो दिखाई दे रहा है तो दिखाइए, आपको जूम आउट करके दिखाते हैं। अभी शायद अंदर है, एक दो दो हैं शायद। अभी देखिए दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं ये दोस्तों, पास में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिमो, इस तुरमू टाइप का ही होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बिल्कुल पास से दिखाई दे रहा है आपको, देखिए उसे थोड़ा छोटा होता है बस। ये तुरमुर्ग अलग है, लेकिन ये अलग है, लेकिन लगता उस टाइप का ही। देखिए ये काफ़ी बड़ा है, दौड़ सकते हैं बहुत तेज़ी। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के पैरेट्स हैं, ये स्पेशली बर्ड्स के लिए बनाया गया है दोस्तों। इसके साइड में ये ईमू है, आपको जो मैम पहले बता रहे थे इसके बारे में। विराट देखिए काफ़ी वो कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल पास में ही घूम रहा है। इसमें दो हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में ये देखिए मैप में दिखाया भी गया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उसमें ईमू पाए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हम पहुंच गए मगरमच्छ, जो क्रोकोडाइल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आराम कर रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये रियल है। अभी एक तो हिल डुल रहा है थोड़ा, देखने अपना मुँह खुला करके रखा है, काफ़ी आराम कर रहे हैं सभी। देखिए विराट देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रहा है। तो ये दोस्तों घड़ियाल हैं, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं चंबल रिवर्स में। तो इंडिया में ही पाए जाते हैं ये, और बाकी देशों में तो अभी तक हमने सुनी सुना पाए जाते हैं। तो मगरमच्छ टाइप से ही होते हैं ये। तो जैसे आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए अभी हम हिरन के उसमें पहुंच चुके हैं। साइड में देखिए कितने प्यारे हिरन लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं दूर से। तो विराट इनकी तरफ इशारा करके इनको बुला रहा है, इनके बारे में आपको दिखाना चाहते हैं। अभी अभी हम पहुंच चुके हैं। नीचे भी देखिए आप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
इसमें रब क्लिक कर देंगे। अच्छा। रखा है यहाँ देखिए दोस्तों, हमने आपको जूम आउट करके दिखाया। देखिए ये रहा, इनके अंदर एक कोतली टाइप की होती है, पोटली जिसको बोल सकते हैं, जिसमें अपना खतरा होने पर अपने बच्चों को रख लेते हैं। ये एक ही अभी तो दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा लगा। पहली बार देखा हमने तो ये। मैं आपको वन मानुष दिखा रहे हैं अभी, देखिए वो सो रहा है अभी पीछे साइड में। देखिए पीछे साइड में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो चले है? डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हैं पक्षियों की। इसके बाद हम जाते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस लोइन, इसमें आप शेर को देख सकते हैं। अभी शायद अंदर चला गया, बोल रहे हैं कि था यहाँ पे। हाँ खाई में देखा किधर था, किधर साइड था। अच्छा वो अंदर चला गया दोस्तों। अभी आपको देखिए दोस्तों, देखिए सो रहा है वो शायद वहाँ पे, आपको गर्दन गर्दन दिखाई दे रही हो तो। चले देखिए आपको दिखाई दे रहा है तो सो रहा है वो पेड़ के पीछे है। जूम कर दिया, अगर ये आपको हम जूम आउट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको दिखाई दिया हो शायद, ये देखिए सो रहा है ना। मेरे के दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हाथी, उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दो हाथी हैं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, इस साइड में एक बड़ा है, बहुत अच्छा है। देखिए विराट देख के काफी एक्साइटेड हो रहा है। मुझे हाथी देखा, हाथी है नहीं, देखो नहीं हाथी देखा तुमने, हाथी कैसा है। इतनी अच्छी कलाकृतियां बनाई गई हैं, कितनी अच्छी कलाकृतियां बनाई गई हैं, देखिए देखने में बहुत सुंदर लग रही है ये। ये देखिए विराट, काफी अच्छा लगा जू में हमें, तो आप भी आइए घूमने के लिए यहाँ पे, दोस्तों के साथ एक अच्छा दिन स्पेंड हो सकता है। ये देखिए दोस्तों,
एनाकोंडा और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लोग काफी एंजॉय करते हुए, ये देखिए दोस्तों हिप्पो, ये देखिए अभी आराम फरमा रहा है हिप्पो। इसके चारों तरफ पानी की बड़ी खाई रहती है और देखिए उस साइड भी हिप्पो है, एक उस साइड है, देखिए वो दो है उस साइड, अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ जुगाड़ करके दिखाते हैं, और एक इधर है, दो हिप्पो है नहीं अंदर, ये विराट भी देख के काफी खुश हो रहा है। तो दोस्तों पूरे दिन घूमने के बाद अभी हम एग्जिट, मेन एग्जिट गेट पे आ गए हैं। तो ये जो आपको मैं बता रहा था झंडे, अभी इलेक्शन है म्यूनसिपल के, इसलिए टीएमसी के झंडे हैं। तो पूरा दिन काफ़ी अच्छा लगा अंदर। तो आप भी अगर आए तो कोलकाता जू में घूमें, टाइम स्पेंडिंग प्लेस है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, बच्चों के लिए तो और भी अच्छा है। तो अभी हम एग्जिट कर रहे हैं गेट से। तो अभी देखिए विराट तो मेरे साथ ही है, विराट अभी लग रहा है कि थका नहीं है, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा थक गया था पूरा। देखिए अभी राखी पीछे पीछे आ रही है, आ जाओ राखी जल्दी चलेंगे। तो दोस्तों हमारा जो विजिट पूरा हो चुका है। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपके लिए ऐसे ही व्लॉग हम लाते रहेंगे। थैंक यू।